वही है, 5 दिन पहले लेकिन मरियम तुम्हारा सर पे कहाँ बजा था जरा मुझे बताओ ना। नहीं इस बंदे को और आप यकीन करो अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले जब मैंने फिर खान साहब से डिस्कस किया, खान साहब कहते हैं तुम मरियम अब क्या करोगी, मैंने कहा मेरे पास है खान साहब, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इज्जत ही रख सकती हूँ ना, आप मुझे बताओ, तो कह रहे हैं कि फैसला तुम्हारा है और नीयत भी तुम्हारी ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है, तो ठीक है रख लो, इज्जत रखनी है। तो जो मुझे बहुत अफसोस होता है, वो ऐसी नहीं थी, मेरा दिल नहीं मानता, वो ऐसी नहीं थी, मैंने इसको देखा है, कह रही मेरी आंखें भी धोखा खा गई मरियम, और इस ये गम में यार ये दुनिया वालों को नहीं पता चल रहा हमारे अंदर गम चल रहा है। तुम्हें पता है मरियम, तुम सोचो मैं शीना बाबा को कभी छोड़ के जाती इतनी शॉर्ट नोटिस में पाकिस्तान, कभी नहीं मैं शरीफ को छोड़ के जाती। मुझे लोग कहते तुम बीमार हो, तुम नींद पूरी करो, मेरे अंदर गम चल रहा है, मैं 4 दिन से गम में हूँ, मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि वाकई, और ये मैं क्यों नहीं मान रही थी, मैं कहती थी 4 मर्दों की गवाही, औरतों की भी नहीं, 4 मर्दों की गवाही, तो मैं इस चीज को मैंने कहा मैं गवाह बनूंगी, मैं जाहिल हो जाऊंगी, मैं इससे वो जो हमारी जोनोलिस्ट है उससे नहीं मिलना चाह रही थी कसम से, मैं इससे नहीं, मैंने कहा यार उस वक्त पे ना मेरे ख्याल से 1100 कुछ रियाल ऊपर पड़े थे।
लड़के के, तो खान साहब ने वो कह दिया कि हाँ मैंने ये पैसे दे दिए एक्स्ट्रा जो एक हफ्ता ऊपर और करना था वो मैंने करके कर दिया। फिर ये आई तो इसने पति मेरे बच्चों को 500 रियाल दे, तो मैं कहा नहीं यार ये 500 रियाल ना आप ना दें, हमें नहीं चाहिए आपको। खान साहब ने कहा आप मेरे घर में बहनों की तरह ही है, भाई बहनों से नहीं लेते। तो उस पर फिर इसने ना पति क्वेश्चन किया था 2000 रियाल या कुछ किसी तरह से था, कोई सिस्टर अभी इसके पास नहीं है, आप कर दें फिर मदीना से आपको ट्रांसफर कर देगी। 1100 और 2000 कहा इन्होंने मुझसे जो लॉग इन किया इसको लग रहा होगा कि व्यूज आए ना मेरे पैसे देगी। हलाल की कमी मरियम बहुत। आप कसम से यार मैं अभी भी कहती हूँ ये लोग कहते हैं ना व्यूज और ये और वो, यकीन माने मैं आप ये बोलते भी हैं तभी मेरे दिमाग में नहीं घुसते कि क्यों बोलते हैं व्यूज व्यूज का क्यों बोलते हैं यार। मैं तो अपना काम कर रही थी, अगर किसी को इस बात तक, अब ये बताए मैंने किस टॉपिक पे शुरू हुआ तो इस टॉपिक पे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, तो अभी इसमें क्या किसका कमाल है मुझे बताए। हाँ की मरीज तो मैंने जब ये मसला खत्म हो जाएगा ना, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊँ, तुम ये सब ये जो लाइव हो रहे हैं इनको वो कर देना, और इसकी जो जो भी पैसे आएंगे ना वो तुम हदिया कर देना। ऐसी है बिल्कुल सही है। अच्छा चलो, गोची ने गोची का लास्ट 3 नंबर्स जो है ना फोन के वो 806, तुम कन्फर्म पूछा जब मैंने कॉल की, बल्कि इसने मुझे सितारा ने खुद कॉल की कि ये देखे आप नया शोशा मेरे लिए खोल रहे हैं, अभी एक से खत्म नहीं हुआ दूसरा खोल। मैंने कहा ये कौन, क्योंकि मैं आपको ये बाबत हूँ, जब मैंने नैना से पूछा था ना, नैना ये आपने जो ये सारा घर डाला है, मैंने उसको इसके तरह क्योंकि मैं उसको छोटी बहन कहती हूँ, और आज तक आपने देखा होगा कि मैंने जिसको मैंने बहन कह दी फिर मैं उसके लिए बात नहीं करती, मैंने नैना पे कोई बात नहीं की अभी तक। तो मैंने उसे कहा कि तुमने ये जो घर डाला, कहती है मरियम आपकी मुझे लगा था कि ये आयत का पापा आया है। आयत का, मैंने कहा क्या आयत का पापा कोई और है, मैंने कहा यार तुम पागल हो, मैंने उसको इसी तरह मैंने कहा तुम होश में हो पागल हो, मैंने कहा तुम लोगों में इतना सारे एक दूसरे के ऊपर ये कह देना कि पापा उसका फलाना है फलाने का, मैंने कहा तुम लोग में चल क्या रहे, तुम लोग कौन से खानदान से हो। तो कहती नहीं, और प्रेगनेंसी की ना प्रेगनेंसी वाली गोलियां जो है मेरे इलाके थी, ये वर्ड थे उसके। मुझे पता है, मुझे ये सब पता है मरियम, ये मैं तुम्हें तो जो मैं तो तुम्हें इस, मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो तुम तुम्हारे कान ना बाहर आ जाएंगे, तुम खुदा की कसम आग कान पकड़ लोगी अपने। मैंने उस वक्त बोला, मैंने बोला अच्छा चलो अगर ये उसका आयत का पापा, मैंने तुझे ऐसे ये मार रही है चवड़े मार रही है कि इसको शायद गुस्सा है सलमा के साथ उस पे, मैंने यकीन माने उस बात पे भी ध्यान नहीं दिया था यार इतनी बड़ी तोहमत, फिर मैंने तोहमत समझ के मैंने कहा शायद ये गुस्से में है और इसको भी लग रहा है कि मरियम को ना थोड़ा सा पंप करना। मैं तो इतनी ही पॉजिटिव हूँ अल्लाह की कसम, मैंने इस चीज को भी नहीं मैंने इग्नोर किया। अच्छा इसने मैंने कहा कि सितारा ये कौन, ये क्या तस्वीर है, तो आगे से इसने कहा कि ये है, इसने जब ये कहा मैंने कहा ये बंदा कौन है, कहती है नहीं मुझे नहीं पता, मैंने कहा आपको पता है आप बताओ कौन है, मैंने उसको हंस के बोला। तो आगे से ना उसने बात को टाल बटोल के उसने बोला हाँ ये बाबर को भी आई है, साजिद को भी आई है, दिलबर को भी आई है, और अदन्ना ने ही कोई एक लड़की है जो आजम की मॉडरेटर है, उसने कोई कुछ चैट जो आजम के साथ हुई है वो चैट भी मैं आपको भेजती हूँ, भेजो कि आजम मैं आपको भेजती हूँ कि उसने क्या आजम, अब आजम का ये बंदा चलो उसको पता चला है कि आयत का पापा है, अब हेटर से कौन बचाएगा उस बच्ची को सारी जिंदगी के लिए सवाल कि तुम्हारा। लेकिन उसकी माँ नहीं यार, उसकी माँ जो है ना सितारा, ये उसके काम है, तुम्हें नहीं देखो मैं तुम्हें मोटी मोटी बातें बताती हूँ। हेलो, मैं तुम्हें मोटी मोटी बातें बताती हूँ ठीक है। एजाज के साथ जो सितारा ने किया है ना, वो खुदा उसको कभी माफ नहीं करेगा।